नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए के बारे में। एक विषय जो सबसे ज़्यादा चर्चे में है अभी हमारे देश में वो है आर्टिकल 370। क्या है ये आर्टिकल 370? 370 और 35 ए में क्या डिफरेंस है? सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी अपलोड किया एक वीडियो के माध्यम से, आप लोग उसे देख सकते हैं। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं एक भी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो चलिए तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या आखिर ये समझते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया, जो कि धारा 370 के अंतर्गत था, और धारा 35A को भी हटा दिया है। 5 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री ने, कौन है हमारे गृह मंत्री? अमित शाह ने यह घोषणा की, राज्यसभा में इसकी घोषणा की, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल भी प्रस्तुत किया। तो ऑलरेडी यह राज्यसभा में पारित हो चुका है, केंद्र सभा में इसे भेजना है। तो चलो तो शुरुआत करते हैं कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला है। तो सही उत्तर है कि अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। आप लोगों ने अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग जगहों पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पर आखिर में ये 370 आर्टिकल है क्या? इसे कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे मेरे दोस्त, मैंने ऑलरेडी वीडियो में अपलोड किया है, फिर भी मैं मोटे तौर पर बता दूँ कि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत क्या था कि जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों से कुछ चीज़ों में अलग था। जैसे क्या क्या अलग था? जैसे जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास दोहरी नागरिकता थी। दोहरी नागरिकता का अर्थ क्या होता है? जैसे कि बाकी जो राज्य हैं हमारे देश के, उन सभी के पास केवल एक नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता। यहाँ पे पास जम्मू कश्मीर के जो नागरिक थे उनके पास दो नागरिकता थी, एक तो जम्मू कश्मीर का इटसेल्फ नागरिकता और दूसरी जो है भारत की नागरिकता, यानी हो गई ना दो नागरिकता उनके पास। इसी प्रकार से जिस प्रकार से यूएस में टोटल जैसे 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अलग अलग नागरिकता है और यूएस का अपना नागरिकता है, इस प्रकार से यूएस के जितने भी नागरिक हैं उनके पास दोहरी नागरिकता है। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के जो नागरिक थे उनके पास दोहरी नागरिकता थी, ठीक है। और ये 370 खत्म होने के साथ साथ ये चीजें भी खत्म हो गई। दूसरी क्या था? जम्मू कश्मीर का राज्य के पास एक अलग झंडा था। तो ये जो फ्लैग देख पा रहे हैं आप लोग, रेड फ्लैग, ये जम्मू कश्मीर का झंडा था, जबकि ये हमारे देश भारत का झंडा था। तो जम्मू कश्मीर में एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ के उनका अलग झंडा था। अब 370 खत्म होने के साथ साथ उनका राष्ट्रीय ध्वज भी हमारे पूरे देश का एक हो जाएगा। तीसरा क्या चेंजेस हुआ कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता था। क्या है? 6 वर्षों का होता था, जबकि बाकी संपूर्ण भारत में जो कार्यकाल होता है आपको पता है 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों बाद फिर चुनाव होते हैं और नई सरकार का गठन होता है, बट जम्मू कश्मीर में ये कार्यकाल 6 वर्षों का था। ये डिफरेंस था, आर्टिकल 370 के अंतर्गत था ये सारी चीजें। इसके अलावा क्या थी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक को अपमान करना यहाँ पे अपराध नहीं था। जैसे कि बाकी सभी राज्यों में अगर आप भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं तो ये एक प्रकार का अपराध माना जाता है, पर ये एप्लीकेबल नहीं था जम्मू कश्मीर में। इसीलिए बार बार हमारे भारतीय ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को बार बार अपमानित किया जाता रहा है, पर इस आर्टिकल 370 के खत्म होने के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर में भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना अब जो है एक क्राइम हो जाएगा। अगला जो है, कश्मीर में पंचायत का अधिकार नहीं था, यानी बाकी राज्यों में जैसे कि पंचायत है, इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के अंतर्गत कोई पंचायत नहीं था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की महिलाएं यदि भारत के अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर लेती थी तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती थी, पर अगर वो महिलाएं पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह करती थी तो उनकी नागरिकता बनी रहती थी। तो ये कितनी बड़ी डिफरेंस थी, जो कि हमारे देश भारत के होते हुए भी अगर भारत के किसी नागरिक से विवाह करे तो उनकी नागरिकता खत्म हो जाती थी। इसके अलावा कश्मीर में भारत के अन्य राज्यों के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वहाँ के बिजनेस डेवलप नहीं हो पा रही थी, वहाँ पे होटल जो है डेवलप नहीं हो पा रहे थे। पर 370 के खत्म होने के साथ साथ बाकी लोग भी वहाँ पे जमीन खरीद सकेंगे और वहाँ की महिलाएं भी भारत में शादी कर पाएंगी और उन्हें जमीनी हक मिल सकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो 370 धारा के अंतर्गत आती है। आई होप आप लोग चीजों को समझ गए होंगे। यानी कि मोटे तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 के रिवोक्ड यानी खत्म होने के साथ साथ जो दोहरी नागरिकता थी ये खत्म हो गई, साथ में
जो दो फ्लैग्स थे वो भी खत्म हो गए। इलेक्शन जो 6 साल में होते थे अब वो होने लगेंगे 5 साल में। पुलिस का कंट्रोल जो स्टेट के हाथों में था वो सीधा केंद्र शासित होने के कारण से वो सेंट्रल के हाथों में चला जाएगा। नो सेपरेट यानी कि कोई अलग कानून नहीं होगा जम्मू कश्मीर का, पूरे भारत का जो कानून होगा वही होगा। और साथ साथ सेंट्रल के पास ये पावर भी होगी कि वो एप्लीकेबल है अंडर आर्टिकल 360 के अंतर्गत कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का, तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हो सकेगी आर्टिकल 370। आई होप पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा आर्टिकल 370। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और आर्टिकल था आर्टिकल 35A, इसे भी खत्म कर दिया गया है। बहुत सारे मेरे दोस्त कन्फ्यूज हैं कि सर 370 तो समझ में आ गया पर ये आर्टिकल 35A क्या है, इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 355 आप कीजिएगा। तो अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 35A किस राज्य से जुड़ा हुआ एक अनुच्छेद है, तो सही उत्तर क्या होगा, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ एक अनुच्छेद था आर्टिकल 35A। क्लियर है। अब आर्टिकल 35A क्या है, मैं मोटे तौर पे पहले बताता हूँ फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। 35A के अंतर्गत 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर की स्थायी निवासी का पहचान दिया गया था। स्थायी निवासी का अर्थ क्या होता है, यानी कि जम्मू कश्मीर के सेंस में मैं बता रहा हूँ, यानी कि स्थायी नागरिक वह व्यक्ति होता है जो 14 मई 1954 जब ये जोड़ा गया भारतीय संविधान में को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर पहले के 10 साल से राज्य में रह रहा हो उसे ही संपत्ति हासिल करने का अधिकार है इस आर्टिकल 35A के। ठीक है, इसके साथ साथ 35A को और थोड़ी डिटेल से जानते हैं। तो आर्टिकल 35A क्या है, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर विधानसभा सभा को एक विशेष अधिकार दिया जाता था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था जो कि आर्टिकल 370 में अच्छे से क्लेरिफाई किया हुआ है। विवाद था, 4 याचिकाएं दायर की गई थी आर्टिकल 35A के अंतर्गत। ठीक है, स्थायी नागरिक और कर्तव्यों को परिभाषित करता था, साथ में 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से इसे जोड़ा गया था। इसके अलावा गैर स्थानीय नागरिक से शादी करने पर महिलाओं को जो अधिकार थे वो खत्म हो जाते थे इसी आर्टिकल 35A के द्वारा, और यही डिफाइन करती थी किसके बारे में, डिफाइन करती थी राज्य की स्थायी निवासी के बारे में, यानी उसकी जो स्थायी निवासी वो खत्म हो जाती थी अगर कोई महिला जम्मू कश्मीर या तो पाकिस्तान के अलावा किसी और देश से शादी करती, यानी कि भारत से भी अगर वो शादी करे भारत के कोई व्यक्ति से तो उनकी जो स्थायी निवास थे वो खत्म हो जाती थी। 35A को संविधान के अनुच्छेद 368 यानी 368 के संशोधन में जोड़ा गया था। संसद के सामने पेश किए गए बगैर लागू किया गया था इसे आर्टिकल 35A को। तो अगर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 35A को यानी 35A को संविधान में कब शामिल किया गया था, तो 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से शामिल किया गया था संविधान में, यानी कि राष्ट्रपति का इसमें विशेष पावर था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था, तो सही उत्तर है 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का समय वहां के राजा कौन थे, उस समय जब विलय हुआ था जम्मू और कश्मीर का भारत में उस समय वहां के राजा थे महाराजा हरि सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में विलय के समय जम्मू और कश्मीर ने राज्य के कौन से अधिकार भारत को दिए थे, तो कुछ अधिकार भारत को भी दिए गए थे। क्या क्या अधिकार थे, वे थे विदेश मामलों के अधिकार, रक्षा और संचार, केवल ये अधिकार जो है वो भारत को दिए गए थे जम्मू और कश्मीर का जब विलय हुआ था, यानी कि बात कर रहे हैं हम कब की, 26 अक्टूबर 1947 की। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य का अपना अलग संविधान व झंडा था, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जम्मू और कश्मीर का एक अलग संविधान था और अलग झंडा था, इसी कारण से आर्टिकल 370 को हटाने के बाद इसका संविधान और इसका झंडा भारत का हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य का अलग संविधान और झंडा था, हम लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन से प्रभाव में आया, तो सही उत्तर है कि 26 जनवरी 1957 से यानी 1957 से ये प्रभाव में आया था जम्मू और कश्मीर का संविधान। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो इसे समाप्त किया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। तो यहाँ पे एक प्रश्न जो बहुत दोस्तों के मन में आएगा कि सर आखिर इस समय इसे क्यों समाप्त किया गया, इतने दिन से इसे क्यों नहीं समाप्त किया गया था, तो दोस्तों मैं क्लियर कर दूं आपको कि इसका जवाब छुपा है 370 के खंड 3 में।
तो दोस्तों बता दूं कि 370 धारा की तीन खंड है, खंड एक, खंड दो और खंड तीन। खंड एक में जो है बताया गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। खंड दो और खंड तीन को समाप्त कर दिया गया है आर्टिकल 370 के खत्म होने के साथ साथ, और खंड एक को यथावत रखा गया है जो कि जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताता है। हो ये रहा था, प्रॉब्लम ये था इतने दिनों तक कि अनुच्छेद 370 के खंड तीन, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इसके तहत जो है राष्ट्रपति आदेश जारी कर 370 को खत्म कर सकता है, पर यह था कि 370 को बदलने के लिए जम्मू और कश्मीर संविधान सभा की सहमति लेनी जरूरी थी, और इसी कारण से इसकी सहमति नहीं मिलने के कारण ये आज तक नहीं हो पा रहा था। अब अभी क्यों हुआ? अभी इसलिए हुआ कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है, यानी कि राज्यपाल शासन भी आप लोग कह सकते हैं, राज्यपाल शासन होता है वहाँ पे, जबकि बाकी राज्यों में जो है वो राष्ट्रपति शासन होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के आदेश मात्र से ही धारा 370 में बदलाव या उसे खत्म किया जा सकता था, जो कि अभी संभव है क्योंकि वहाँ पे अभी कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। इस कारण से अभी संभव हो सका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, यानी कि राष्ट्रपति के आदेश से आर्टिकल 370 और 35 ए को खत्म कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर के संविधान की किस धारा के अंतर्गत जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि धारा तीन, ठीक है, धारा तीन खंड एक। तो सही उत्तर क्या होगा कि धारा 370 के खंड एक के अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। याद रखिए, फिर से बता दूं मैं, धारा 370 के खंड एक के अंतर्गत जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और इसे यथावत रखा गया है। बाकी खंड दो और खंड तीन जो कि धारा 370 के अंतर्गत थी, उन दोनों को खत्म कर दिया गया है, जबकि खंड एक जो कि जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बताता है उसे यथावत रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने संबंधी संकल्प किसके द्वारा पेश किया गया? तो सही उत्तर, इसे पेश किया गया अमित शाह के द्वारा। अमित शाह कौन है? हमारे गृह मंत्री है, इनके द्वारा ही पेश किया गया। हाल ही में 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी की जीत हुई, इसके बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं श्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं अमित शाह जी। अब एक प्रश्न जरूर आपके दिमाग में आएगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि इसे पेश किया गया, ठीक है, पर ये कब इफेक्टिव होगा, यानी कब ये कानून के रूप में मान्य होगा? तो दोस्तों बता दूं कि ये बदलाव लागू होने के बारे में बता रहा हूँ कि धारा 370 का खात्मा तो राष्ट्रपति के आदेश के साथ ही हो गया है। इसके साथ साथ संसद में केवल पुनर्गठन विधेयक जो है पारित होना बाकी है। इसमें दो बिल पेश किए गए थे, एक तो 370 का खात्मा और 335 का खात्मा, साथ में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन। पुनर्गठन में क्या हुआ? जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, दूसरा जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। तो केवल पुनर्गठन बिल ही बाकी है, बाकी 370 का खात्मा राष्ट्रपति के आदेश के साथ ही खत्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये धारा तीन में कहा ही गया था कि राष्ट्रपति के द्वारा ही इसे खत्म किया जा सकता है, या तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा या तो संविधान सभा की सहमति लेनी होगी। पर जम्मू कश्मीर में अभी कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, अभी कोई भी संविधान सभा नहीं है, इसी कारण से राष्ट्रपति के आदेश के साथ ही यह खत्म हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर की महिला किस देश के व्यक्ति से विवाह करके भी अपनी नागरिकता सुरक्षित रख सकती थी, ऐसा प्रावधान था आर्टिकल 35A में। तो सही उत्तर है पाकिस्तान। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आर्टिकल 35A वहाँ के स्थायी नागरिकत्व के बारे में बताती है, यानी कि अगर कोई महिला भारत के किसी पुरुष के साथ शादी करती है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है, उसे जम्मू कश्मीर में कोई भी जमीनी अधिकार नहीं मिलेगा, यानी कि वो अपने बच्चों को जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन नहीं दे पाएगी, उनकी अधिकार खत्म हो जाएगी। पर वो अगर वो महिला पाकिस्तान की किसी व्यक्ति के साथ शादी करती है तो उसकी नागरिकता यथावत बनी रहती है, ये लिखित था आर्टिकल 35A में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के संबंध में संकल्प किस सदन में पेश किया गया? तो इसे हाल ही में उच्च सदन में पेश किया गया, उच्च सदन यानी राज्यसभा में पेश किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में इसे किसने पेश किया था? हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा में प्रस्तुत नई विधेयक के अनुसार जम्मू और कश्मीर में कितने केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे? तो सही उत्तर है
यानी कि पूछा जा रहा है कि इस नए विधेयक के पेश होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन किया गया इसके बाद कितने केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे जम्मू कश्मीर, यानी कितने यूनियन टेरिटरीज बनेंगे। तो सही उत्तर है 2 यूनियन टेरिटरीज। कौन से? एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होगा। जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा होगी और उपराज्यपाल होगा, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी और राज्यपाल होगा। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का नाम क्या होगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया दो केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे जम्मू और कश्मीर, और दूसरा बनेगा वो है लद्दाख। यानी जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज होंगे? 7 केंद्र शासित प्रदेश ऑलरेडी थे, 2 नए बनेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी कुल 9 यूनियन टेरिटरीज बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में बनने वाली दो नई केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें विधानसभा होगी? थोड़ी देर पहले मैंने बताया विधानसभा किसमें होगी, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल किसमें होंगे जम्मू कश्मीर में, और विधानसभा नहीं होगी लद्दाख में और राज्यपाल होंगे लद्दाख में। यानी कि एक याद रखिए, एक में विधानसभा होगी और एक में राज्यपाल होगा, एक में उपराज्यपाल होगा और एक में विधानसभा नहीं होगी। इस प्रकार से आप चीज़ों को याद रख सकती है। यानी सही उत्तर क्या होगा कि जम्मू और कश्मीर में जो है वो विधानसभा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होगी। आई होप आप लोग सब उत्तर कर पाएंगे। पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? पहले थे 7, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश ऐड हो गए, यानी टोटल मिला के 9 केंद्र शासित प्रदेश। अब डेफिनेटली एक प्रश्न दिमाग में आएगा कि आखिर इस 370 के लागू करने से क्या क्या फायदा होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे नागरिकता जो है ड्यूअल नागरिकता समाप्त हो जाएगी, पूरे देश का झंडा एक हो जाएगा, अलग कानून नहीं रहेगा, यानी कि सेंट्रल के पास पावर रहेगी सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की, पुलिस फोर्स को कंट्रोल करने की। ये सारी तो बेसिक चीज़ें हैं, पर नॉर्मली क्या फ़ायदा होगा? ये तो कानूनी चीज़ें होंगी, पर इससे क्या होगा कि देश भर में लोगों को कश्मीर में बसने और वहाँ बिजनेस करने का मौका मिल जाएगा। यानी खासकर जो होटल इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत बूम दिखेगा। इससे पहले होटल इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारे लिमिटेशंस थी, क्योंकि बाहर के लोग वहाँ जाके ज़मीन खरीद नहीं सकते थे। और क्या होगा, सेना में खर्च जो होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे, साथ में लद्दाख के अलग होने से वहाँ पर विकास तेज़ी से हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य के नागरिक के पास दोहरी नागरिकता होती थी। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया वो था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A के अंतर्गत, या तो 370 भी कह सकते हैं, कुछ पार्ट उसका 370 में भी है, दोहरी नागरिकता होती थी। यानी कि उसके पास इटसेल्फ जम्मू कश्मीर की एक नागरिकता थी और दूसरा जो है भारत की नागरिकता होती थी। जिस प्रकार में US में दोहरी नागरिकता होती है, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के व्यक्तियों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। पर इस आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के साथ साथ उनकी दोहरी नागरिकता भी समाप्त होगी, बाकी राज्यों के लोगों की तरह उनके पास एक सिंगल नागरिकता होगी, यानी सिंगल सिटीजनशिप होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की आखिरी मुख्यमंत्री कौन थी? तो सही उत्तर क्या होगा कि आखिरी मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर की आखिरी जो मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती थी, उन्हें हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू था, वहाँ की मुख्यमंत्री हट चुकी थी। सो हम लोग कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की आखिरी मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती। आखिरी इसलिए कहा जा रहा है कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर में अब जो होगा उपराज्यपाल होंगे, साथ में वहाँ विधानसभा होगी, पहले ये चीज़ें नहीं थी, और जम्मू कश्मीर की आखिरी मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जम्मू कश्मीर में अभी राज्यपाल शासन है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये प्रश्न बनता है कि जम्मू कश्मीर में वर्तमान राज्यपाल कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर सत्यपाल मलिक जी, जम्मू कश्मीर में अभी वर्तमान में राज्यपाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? क्योंकि हाल ही में जो नए दो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसमें से जम्मू कश्मीर में जो है वो विधानसभा बनेगी। तो इससे पहले दिल्ली और पुडुचेरी में भी विधानसभा है, तो सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल 370 के किस क्लॉज के अंतर्गत आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया है? तो सही उत्तर है क्लॉज 3 के अंतर्गत। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इसमें 3 क्लॉज थे, यानी 3 खंड थे, और मेनली जो इसे समाप्त किया गया वो आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 के अंतर्गत इसे समाप्त किया गया, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इसी खंड 3 में ही था, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि इसे जारी भी कर सकता है राष्ट्रपति, खत्म भी कर सकता है राष्ट्रपति, पर इसमें जो है जम्मू कश्मीर के संविधान सभा की सहमति लेना जरूरी है। सो आर्टिकल 370 के खंड 3 के अंतर्गत ही यह फंसा हुआ था मामला, और इसी को यूज़ करके ही अभी 370 को खत्म किया गया।
तो अगला प्रश्न अगर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद किसी राज्य का विभाजन कर सकती है। राज्य का विभाजन का अर्थ है कि जैसे कि बिहार से अलग हुआ झारखंड, जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, इसी प्रकार से किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत जो है, किस आर्टिकल के अंतर्गत संसद जो है इसका विभाजन कर सकती है। तो सही उत्तर है आर्टिकल 3 के अंतर्गत विभाजन कर सकती है और इसी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन किया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आए तो जरूर जरूर लाइक करना मत भूलिए, साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंच पाए। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप जरूर मुझे बताइए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला है। आर्टिकल 360, 370 या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे, साथ में आप ये भी बताएंगे कि आपके लिए आर्टिकल 370 कैसे फायदेमंद रहा है या तो देश के लिए कैसे फायदेमंद रहा है। आप ही आर्टिकल 370 से सहमत है या नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, कोई भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। यह स्टडी चैनल है, सो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना मत रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप इसका ऑडियो भी सुन सकते हैं, इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। साथ में संसद के बारे में बात हो रही थी तो आप संसद का एक अलग वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप उसे ध्यान से देखिए। सारे प्रश्न जो है संसद से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नए वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।